हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी सुनते ही मतलब मॉलिक्यूलर और टैक्सोनॉमी तो दोनों अलग अलग ब्रांच है। तो टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, और मॉलिक्यूलर में पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी स्टडी। तो इनका रिलेशन क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी की ही एक ब्रांच है। तो इनका रिलेशन क्या है? तो मॉलिक्यूलर में आ गए कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड की, और टैक्सोनॉमी में आ गया आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, फिर इनके कैरेक्टर्स के आधार पर इनका नोमेनक्लेचर है। तो ये पहले नहीं पढ़ते थे हम टैक्सोनॉमी में, पहले मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर होता था। तो सिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक वो ब्रांच थी पहले टैक्सोनॉमी की, अब इसको भी ऐड किया गया। मोल बायो में तो जैसे आरएनए डीएनए उनकी स्टडी आ गई, आरएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी करके आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर उनका नोमेनक्लेचर करना मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई यूज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू स्टडी इवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल और स्पीसीज, मतलब दो स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच में सिमिलरिटीज मॉलिक्यूलर स्टडी के आधार पर, मतलब उनके डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स इनकी स्टडी करके या तो दो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटीज या रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना और या फिर दो स्पीसीज के बीच में सिमिलरिटीज स्थापित करना, ये इसकी डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे सीधे शब्दों में कहें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का यूज करना या इनकी स्टडी करके फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्थापित करना मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहलाता है। सबसे पहले इसकी स्टडी की थी फिट्स और मैंगोलिस ने 1967 में मॉलिक्यूलर डाटा के बेस पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था। ये मतलब एग्जाम ऑफिस से ये डेट पूछ लेते हैं। सवाल तो है कि अब मॉडर्न एरा में इसको ऐड क्यों कर दिया गया है, पहले इसकी स्टडी टैक्सोनॉमी में क्यों नहीं की जाती थी? न्यूक्लिक डाटा को यूज करके डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप याद कर सकते हैं, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं दो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज है उनके मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जैसे एनसेस्टर है। न्यूक्लियोटाइड डाटा को यूज करके दो डिफरेंट स्पीसीज में इवोल्यूशनरी संबंध स्टेबलाइज करना ऐड इसलिए किया गया कि इसके आधार पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के आधार पर भी, मॉलिक्यूलर स्टडी के आधार पर भी। तो न्यूक्लियोटाइड्स डाटा को यूज करके डिफरेंट दो स्पीसीज में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप याद करना, डीएनए, आरएनए इनकी स्टडी करके इन दोनों में सिमिलरिटीज चेक करना, सिमिलरिटीज दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर सिमिलरिटीज ढूंढना। और इसकी सेकंड थिंग हो गई जैसे न्यूक्लियोटाइड्स का कंपैरिजन, न्यूक्लियोटाइड्स डाटा के आधार पर कंपैरिजन। और फिर है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, पहले इसको टैक्सोनॉमी में पढ़ा नहीं जाता था तो क्या इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं था या क्यों नहीं था? तो अब इसको क्यों ऐड किया गया, इस आधार पर हम क्यों मतलब टैक्सोनॉमी में किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हाईली डेवलपमेंट, जैसे 20वीं सदी है तो 20वीं सदी में कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी ज्यादा मतलब होने लगा, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, उस आधार पर जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स का डेवलपमेंट हो गया। तो उस हिसाब से मतलब डेवलपमेंट करके जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो बेस पेयर के आधार पर भी उनको सिमिलर किया जा सकता है। सेकंड थिंग है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, अनेक टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो गया, मतलब ऑर्गेनिज्म का छोटा सा डीएनए पार्ट्स लेके फिर उसके मतलब बेस पेयर के आधार पर भी हम उसको आइडेंटिफाई या क्लासिफिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब अब न्यू मॉडर्न एरा में हम मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। तो ये पहले ऐड नहीं था टैक्सोनॉमी में, पहले नहीं पढ़ते थे हम इसको। तो ये है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। थैंक यू, धन्यवाद।